आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोरल ड्रॉ पर इस तरह के डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज बिना देरी किए। चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने कोरल ड्रॉ ओपन कर रखा है। अभी हम सबसे पहले पॉलीगॉन टूल के इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्राफ पेपर टूल को सिलेक्ट कर लेना है। जब इस टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर यहाँ रो और कॉलम में दो होना चाहिए। ओके, अब कंट्रोल दबा के रखना है, फिर अपनी वर्क एरिया पर इस तरह से बना लेना है। इसके बाद कंट्रोल यू को प्रेस करके इनको अनग्रुप कर लेना है। इसके बाद सर्किल बनाने के लिए टूल बॉक्स में एलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है। अब कंट्रोल दबा के रखना है, फिर यहाँ पर एक सर्किल बनाकर उसको सेंटर में एडजस्ट करना है। इसके बाद फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर टूल बॉक्स में शेप टूल को सिलेक्ट करना है। अब कंट्रोल दबा के रखना है और इस कॉर्नर को सर्किल में कर लेना है। इसके बाद ऊपर जो कॉर्नर वाला ऑप्शन है इसमें आपको 80 लिखकर इंटर कर देना है। इतना करने के बाद दूसरे वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अब कंट्रोल दबा के रखना है, फिर इसके कॉर्नर को गोल कर लेना है। इसके बाद ऊपर कॉर्नर रेडियस ऑप्शन में 80 लिखकर इंटर कर देना है। तो अब ये कुछ इस तरह से बन चुका है। इसके बाद टूल बॉक्स के लास्ट में स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट करना है। अब इधर देखिए, बाय डिफॉल्ट कलर अप्लाई कर देना है, ठीक। इसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करना है। फिर देखिए, ये जो कलर वाला हिस्सा है इसको शिफ्ट के साथ अलग अलग क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, फिर इसको अलग उठाकर ले आना है। बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं इन सभी को डिलीट कर देना है। अब हम वेल्ड करेंगे, तो देखिए नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद शिफ्ट के साथ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ऊपर वेल्ड ऑप्शन पर क्लिक करके इसे वेल्ड कर देना है। इसके बाद इसी को और इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके इसे भी वेल्ड कर लेना है। अब इनमें कलर देना है, तो देखिए बड़े वाले ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जी को प्रेस करके इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है। अब इसी पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक ड्रैग करना है। दोस्तों अब यहाँ पर किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं। हम ऊपर रेड कलर फिल करेंगे। इसके लिए आपको रेड कलर ड्रैग करते हुए लाना है और इस बॉक्स में डाल देना है। इसी तरह येलो कलर को ड्रैग करते हुए लाना है और नीचे वाले इस बॉक्स में डाल देना है। अगर आप चाहें तो इसे और भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बचे हुए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, फिर इस पर भी ड्रैग करना है। अब इसमें ऊपर रेड और नीचे ब्लैक फिल करना है। इसके बाद टूल बॉक्स में दूसरे नंबर पर शेप टूल के इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। अब यहां पर लास्ट में रफन टूल को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ऊपर देखिए निब ऑप्शन में 20 कर देना है। इसके बाद इसकी आउटलाइन पर इस तरह से करना है। इतना करने के बाद पिक टूल को सिलेक्ट करना है। अब इस पूरी डिजाइन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्रोल जी से ग्रुप में कर लेना है। अब इसी पर एक बार और क्लिक करना है। अब इसके सेंटर पॉइंट को नीचे नोड पर रख देना है। इसके बाद कंट्रोल दबा के इसको रोटेट करना है और जस्ट राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद कंट्रोल आर को प्रेस करके इसे रिपीट कर देना है। अब इन सभी को फिर सेलेक्ट ऑल करना है। इसके बाद कंट्रोल जी से ग्रुप में कर देना है ताकि इधर उधर ना होने पाए। इतना सब करने के बाद इसकी आउटलाइन को अगर आप चाहें तो नन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से लोगो डिजाइन बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम और डिजाइन सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।